नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे हफ्ता विरोधी दस्ते ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। ये लोग अवैध रूप से हथियार बेचते थे और लगभग 50 बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी का झांसा देकर चूना लगा चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने दो पिस्टल, एक रिवाल्वर, 18 जिंदा कारतूस, साथ ही रेलवे का स्टैंप लेटर हेड तथा कॉल लेटर बरामद किया गया है। ठाणे हफ्ता विरोधी के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा ने बताया कि पुलिस नायक कार्यरत प्रशांत भुरके को हथियार की तस्करी की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर उपवन परिसर में पुलिस ने घेरा जमा रखा था। इसी दौरान वहां दो संदिग्ध आए, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की तो इस मामले का भंडाफोड़ हुआ। वहीं गिरफ्तार किए गए राकेश राजाराम सलूखे 30 वर्षीय जो अंबरनाथ का रहने वाला है, तो वहीं दूसरा नितिन निवृत्ति पगारे जो उल्लास नगर का रहने वाला है। तलाशी के दौरान इनके पास से दो पिस्टल, एक रिवाल्वर, 18 जिंदा कारतूस, रेलवे के नकली स्टाम्प लेटर हेड, रेलवे के नाम पर फर्जी कॉल लेटर बरामद हुए। पूछताछ में यह भी पता चला है कि रेलवे में नौकरी के नाम पर करीब 50 युवकों को शिकार बना चुके थे, जिनसे करीब 2-2 लाख रुपए भी ले चुके हैं। इस पूरे मामले की जांच पुलिस उप निरीक्षक अविनाश महाजन कर रहे हैं। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।